मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर राहुल गांधी के नेतृत्व में संचालित भारत जोड़ो पदयात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इसकी तैयारियों के मद्देनजर कटनी युवक कांग्रेस को भी एक अहम जिम्मेदारी मिली है। भारत जोड़ो पदयात्रा को सफल बनाने के लिए कटनी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी आमजन को आमंत्रित कर रही हैं। कांग्रेस नेता पीले चावल लेकर गाँव गाँव जाकर लोगों को भारत जोड़ो यात्रा है उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है। पत्रकार वार्ता में कटनी युवक कांग्रेस का अध्यक्ष अंशु मिश्रा ने कहा कि डरो मत का नारा राहुल गांधी ने दिया, इसका आशय है कि सत्तासीन सरकार के दबाव से बिना डरे जुटे रहे। नवंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। इस यात्रा के तारतम्य में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस को माननीय कमलनाथ जी के द्वारा विशेष रूप से जवाबदारियां सौंपी गई हैं और प्रदेश अध्यक्ष माननीय विक्रांत भूरिया जी के निर्देश अनुसार आज पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। यह यात्रा मध्य प्रदेश में 21 तारीख को बुरहानपुर में प्रवेश कर रही है। युवक कांग्रेस को पूरे प्रदेश में जवाबदारी दी गई है कि पीले चावल और आमंत्रण पत्र लेकर घर घर जाना है और लोगों को इस यात्रा में आमंत्रित करना है आमजन को।